डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नेस्टिंग ऑफ क्लासेस, तो उसको देखने के लिए आप आई बटन पे जाके प्रेस करके देख सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा एरेज इन C++। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा एरेज इन C++। एक्चुअली एरेज जो C++ में है वो कुछ अलग नहीं, बल्कि C के जो एरे हैं C लैंग्वेज के, वो सारे के सारे आपको जाके पढ़ने हैं। यानी कि रिव्यू में भी डाला हुआ है हालांकि, और यहां भी मैं कह रहा हूं कि जो C++ में एरे है, मुझे बस प्रिंट एफ स्कैन एफ को सी आउट सी इन करके अपना चेंज करके उन्हें, और सारे प्रोग्राम जो मैंने एरे में पढ़ाए हैं आपको वो जाके पढ़ें। सी के सारे वीडियोस आप देखें, उसमें मैंने एरे को बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक के रूप में बताया है। एरे सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मैंने सब उसमें समझाया है, थ्री डायमेंशन का भी किया है, मैट्रिक्स के सारे एप्लीकेशंस भी दिखाए हैं। एरे को मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स उसमें दिए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बनाए हैं, तो आप जाके उन्हें देखें। अब जो एरे को मैं इसमें थोड़ा सा बढ़ा के लेके चलूंगा वो होगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि बन गई यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट हमारे बनने लगे, और ऑब्जेक्ट जब एक क्लास के ऑब्जेक्ट, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट हो। देखो, क्लास को एक तरह से हम ये भी कहते हैं, क्लास एज कैन बी ट्रीटेड एज ए फैक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। देखो, अ प्लेस वेयर यू प्रोड्यूस समथिंग इज कॉल्ड एज फैक्ट्री। तो क्लास के बहुत सारे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, इसलिए क्लास क्या बन जाती है, इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्लास अगर ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है तो ढेर सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं, और ढेर सारे ऑब्जेक्ट हमेशा सिमिलर टाइप के बनते हैं, क्यों, एक क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सब एक ही टाइप के होंगे। एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स की जब बात करो, उनके कलेक्शन की बात करो, तो वो बन जाता है एरे। और एरे को अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में, अगर आप चाहें तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स, और सिमिलर आइटम्स मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम यहां पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं लेके चलता हूं प्रोग्राम पे, और प्रोग्राम यहां पे बना हुआ है। देखो, मैं आपके सामने ला रहा हूँ प्रोग्राम, स्क्रीन पे आपको दिखने लगा। उस प्रोग्राम को देखो, उसमें एक स्टूडेंट क्लास बनी हुई है जिसमें रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, इन सब चीजों को मैंने लिया है, और यूजर से मांगने की कोशिश की है गेट डेटा के थ्रू, शो डेटा के थ्रू, मैंने इसको शो करने की कोई अलग नई चीज नहीं बनाई है, ऐसी प्लेन क्लासेस मैंने बहुत सारी बनाई है। ठीक है, अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो मैं जब तक एक ऑब्जेक्ट की बात करता था तो स्टूडेंट का एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था। अब मेरे को अगर 10 ऑब्जेक्ट या 20 ऑब्जेक्ट या 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो मुझे कुछ नहीं करना, बस उसका एक एरे बनाना है। और एरे बनाने का तरीका क्या है, जैसे एरे सिमिलर सिंगल डिक्लेयर किया जाता है, वैसे यहां पे S2 यानी कि दो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बन गए। अब इनपुट करने का तरीका वही जो एरे में आप पढ़ रहे होंगे, सी के एरे में मैंने बताया, इनपुट करने के लिए एक लूप लगता है, लूप में आई को 0 से लेके साइज तक लेके जाते हैं, और फिर स्टूडेंट मैंने एक हेडिंग प्रिंट किया है, स्टूडेंट i+1 मतलब स्टूडेंट, अगर इस इंडेक्स उसकी 0 है तो आई की वैल्यू 0 होगी, 0 पे पहला स्टूडेंट होगा, तो i+1 मतलब 0+1 1, स्टूडेंट नंबर 1 के लिए sis0.getData। तो ये s0.getData मतलब गेट डेटा में जितनी वैल्यूज मैं लूंगा, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, वो किसके लिए होंगे, s0 के लिए, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट मेरा होगा s0। अब फिर दोबारा ये लूप चलेगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो दूसरी वैल्यू मेरे किसके लिए आएंगी, s1 के लिए, यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए। तो दो ऑब्जेक्ट इनपुट कंप्लीट हो गए। अब आउटपुटिंग की बात आएगी, तो आउटपुट में हमने क्या किया, 0 to 2 फिर चलाया, 2 मतलब लेस देन 2, 0 और 1 के लिए, क्योंकि इंडेक्स 0 और 1 होगी दो बच्चों के लिए। तो यहां पे स्टूडेंट 1 के लिए s0 की वैल्यू शो करेगा शो डेटा के थ्रू, और फिर जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी s, यहां पे स्टूडेंट 2 और किसके लिए s1 के लिए शो डेटा सारी वैल्यू शो करेगा। मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाता हूं, 11 और नेम राकेश और मार्क्स 99.9। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट है रोल नंबर 22 और सुरेश और 88.8 उसके मार्क्स हैं।
तो देखो दोनों वैल्यूज अलग अलग दिख रही हैं, दोनों स्टूडेंट अलग अलग दिख रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें कोई नई चीज नहीं बताई है, हालांकि मैंने जब सी पढ़ाया था तो सी के अंदर मैंने स्ट्रक्चर्स का भी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्ट बनाए उनका भी अरे बना के दिखाया था, वैसे ही करके यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह क्लास का ऑब्जेक्ट है और उसके अरे हैं, तो कोई नई बात नहीं है, वो अच्छे से आपको आता है, इसलिए मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था या स्टूडेंट की जो क्लास बनाई जाती थी, इन दोनों में हमेशा ध्यान रखना, मैंने शुरू में भी बताया था, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड क्लासेस, तो हमेशा ध्यान रखें कि बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर प्राइवेट होता है, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। और सीधी सी बातें, स्ट्रक्चर में कोई चीज़ के आगे ऊपर नीचे कुछ भी ना लिखो, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, तो वो पब्लिक हो जाता है क्योंकि आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर यू कैन एक्सेस एनीथिंग। जबकि अगर बात करो क्लास की, तो क्लास के अंदर अगर कोई चीज़ के ऊपर प्राइवेट प्रोटेक्टेड या पब्लिक नहीं लिखा है, तो हमेशा ध्यान रखें वो प्राइवेट हो जाता है और क्लास के बाहर कभी भी एक्सेस नहीं होता। अगर क्लास के बाहर आउटसाइड एक्सेस करना चाहते हो तो यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और दूसरी बात उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब क्रिएट एक्सेस करते हो तो पब्लिक करना पड़ता है उस चीज को जिसको तुम्हें एक्सेस करना है। बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी, ये था ऑब्जेक्ट्स। अगले वीडियो में मेरे को लेके आना है पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू गुड लक।